तकरीबन 3-4 किलोमीटर रास्ता कच्चा है, बाकी पुख्ता है। तो वो जो आखिरी 3-4 किलोमीटर है वो थोड़े से मुश्किल है, बाकी रास्ता सड़क का आप देख रहे हैं सीमेंट का बना हुआ है। सुबह सुबह रात हमने यही गुजारी, सुबह का नाश्ता तैयारी हो रही है। चाय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं मच्छी सर पे मौजूद हूँ। मच्छी सर के हवाले से मैंने आज आपको बताना है कि ये किस तरह है। पहले मैं आपको मंज़र दिखाऊं, अगर आप देखें तो हरियाली है, हर तरफ घने जंगलात है और ये तकरीबन सतह समंदर से 8,900 फीट की बुलंदी पर वाक़िया है। इसके लिए 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो आप मानसेरा से बटाग्राम इंटरचेंज पर कुजाबांडा से आप होते हुए यहाँ पर पहुँच सकते हैं, दूसरा रास्ता उगई से है और तीसरा रास्ता तोरगर जुद्बा से भी है, लेकिन वहाँ पर आप कुछ सफ़र जो है ना आप जीप में करेंगे और कुछ सफ़र आप पैदल करेंगे तो फिर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक सियाहती इलाका है। मुकामी लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस इलाके का सड़क बेहतरीन कर दिया जाए, पुख्ता कर दिया जाए, स्ट्रक्चर बना हुआ है तो अगर रोड बेहतर किया जाए, सब ठीक कर दिया जाए तो ये एक बेहतरीन सियाहती मुकाम बन सकता है। यहाँ डाउन डिस्ट्रिक्ट के लिए करीबी तोरगर में मैं मौजूद हूँ और इसके अलावा बटाग्राम है, बुनेर है, शंगला है और कोहिस्तान की भी नज़ारा आप यहां से कर सकते हैं, स्वात के पहाड़ों का भी नज़ारा कर सकते हैं और इस तरह उगई भी साथ ही है और बटाग्राम और मानसेरा ये सब रास्ते में आते हैं। अगर आप
गलगित बल्तिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं तो रास्ते में ये आते हैं, यानी बटाग्राम में कुजबांडे इंटरचेंज से इसके लिए रोड लेते हैं तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन ये है कि फोर व्हील ड्राइव गाड़ी ज़रूरी है, कार में आप नहीं आ सकते, ये याद रहे, मेरे साथ रहे। मस्जिद और सात मकानात, यहाँ पहुँच के पूरा विलेज बना हुआ है, सब इकट्ठे रह रहे हैं। मैं बेसिकली हूँ स्वात से आया हूँ, स्वात तकरीबन मैंने सारा कुछ देखा हुआ है, लेकिन ये जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इधर का रास्ता जो है स्वात के मुकाबले में बहुत बहुत पेचीदा है। ठीक है, और बाकी एरिया जो है ये तकरीबन बहुत खूबसूरत है हमारे मलमजबा की तरह और इस तरह। जी ये तोरगढ़ का इलाका है, लेकिन इधर तोरगढ़ से जो रास्ता आता है वो मैंने सुना हुआ बहुत ख़राब है, उसमें पैदल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम मनसेरा की साइड से आए और कुजबांडा और उगी की साइड से। भेड़ बकरियां जानवर। यहाँ हमारे साथ मुकामी शहरी मौजूद है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। शुएब खान, ये बताए कि इस हवाले से बताए कि मचेसर में लोग आ रहे हैं सियाहत के लिए कि नहीं? सबसे पहले शनीज़ादा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी दूर दराज से तोरगढ़ के बैकवर्ड एरिया मचेसर में आपने विजिट किया, और ये मचेसर जो है ये सैर सपाटे के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन ये है कि यहाँ के रोड और इन मसले रोड के बहुत बड़ा इशू है हमारे आ रहा है, क्योंकि ये रोड ख़राब है, इस वजह से सयाह का ज़्यादा आमद नहीं है यहाँ पे, और इसको रास्ते तो बहुत से रास्ते इसको मतलब आ रहे हैं, मतलब अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो आजकल मोटरवे पे उगी के रास्ते भी पे आ सकता है, और अगर स्वात वाला इलाका गए तो स्वात से लोग मतलब शांगले के साइड पर, इस साइड थाकोट के साइड पर आ सकते हैं। इसका एक दूसरा रोड नया बन रहा है जो अभी जुदबा को मतलब है, ये नया रोड इस पर काम शुरू है, तो बस हमें ये हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि ये रोड का मामला सबसे पहले हमारा इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सयाह है इसका ज़्यादा आमद रफ इस वजह से नहीं है कि रोड का हमें प्रॉब्लम है। तो सर वैसे
आप लोगों ने तो अपनी एक्टिविटीज की जी, लेकिन कुदरती हुसन के हवाले से बताएं आपको इलाका कैसा लगा? सर जी देखें, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कम आपको 100-100 किलोमीटर तक का व्यू नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल सही, 100% सही। और ये सी पैक मोटरवे से इसका जो फासला है वो ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर है, और अगर रोड ठीक हो तो सी पैक कुजा बढ़ना से एक नॉर्मल गाड़ी जो है वो 30-40 मिनट में इधर पहुंच सकती है और 30-40 मिनट में वापस जा सकती है। बिल्कुल ठीक। और ये जो हमारे टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कोस्तान जा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन रास्ते में एक स्पॉट है जहाँ पे वो आए, एक दिन गुजारें, और अगर फैसिलिटीज हों वो रात भी गुजारें। और ये जगह मैं समझता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत है, यानी इसकी हाइट जितनी भी है थोड़ी है, ज़्यादा है, लेकिन ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। और मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट के लिए इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड नहीं है, हाँ तो, ये मसले हैं, तो इसके बगैर तो टूरिज़्म डेवलप नहीं हो सकती। अगर आप देखें तो बिल्कुल कुदरती तौर पर स्टेडियम बना हुआ है। बीच में ये जो खाली आप देख रहे हैं ये पिच है, और बाकी बाउंड्री आप देख सकते हैं बैठने के लिए जो है ना, ये बाउंड्री से बाहर कुदरती तौर पर बैठने के लिए जगह। और ये ग्रास अगर आप देखें, ये आला क्वालिटी वाला ग्रास है, और ये बिल्कुल नेचुरल कुदरती तौर पर, आप हैरान रह जाओगे। ये अगर आप देखें बिल्कुल स्टेडियम की तरह, तो क्या ही बात है। और सूरज आसमान बिल्कुल साफ है, मौसम इंतहाई खुशगवार है, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर क्रिकेट खेली जाती है। तोरघर के जवान उगे यहाँ नज़दीक है, और बटाग्राम, तो यहाँ पर बाकायदा इन 4-5 डिस्ट्रिक्टों के दरमियान मुकाबले बाकायदा मतलब कराए जाते हैं। तो ये कुदरती तौर पर ये स्टेडियम बना हुआ है, और घास भी बेहतरीन है। सबसे जो अहम बात मैं आपको करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो एरिया है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर होटल भी एक दो मौजूद है, आप इसमें रात रुक भी सकते हैं और खाना भी आपको मिल जाता है। तो ये मतलब अगर आपने यहाँ आना है तो सिर्फ आपको ये अपडेट करना था कि होटल्स की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। बात मैं आपको और कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो रेपर्स है, ये जो बोतल शोतल वगैरह जो पड़े हैं इस तरह, इन चीज़ों का इज्तनाब करें। खूबसूरत जगह है, इस खूबसूरत जगह को साफ ही रहने दें। क्रिकेट खिलाड़ी जो है ना वो यहाँ पर टैप भी डालते हैं, तो इस टैप को भी जो है ना वो अपने साथ लेके जाए तो अच्छी बात होगी। बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जानवर तो यहाँ पर आते हैं, घास कुदरती तौर पर मौजूद है, तो वो तो कोई इशू नहीं है।